तो शुरू करते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। तरीका जो मैं यूज करता हूँ, और ये मैं नहीं कहता कि मैंने खुद ने क्रिएट किया, कहीं पे मैंने देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं उसको अभी रेगुलरली यूज करता हूँ और बहुत सारी जगह पे मेरे को सक्सेस भी मिला और पैसा भी मिला है। ठीक है, तो अभी करना क्या है, आप लोग भी यूज कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो अपने क्लाइंट के लिए यूज करते हो, या अपने खुद के वीडियो में यूज करके भी आप अच्छे खासे फॉलोअर्स और क्या बोलते क्लाइंट का अटेंशन, व्यूअर्स का अटेंशन पा सकते हो भाई। ठीक है ना, तो करना क्या है, सबसे पहले मेरे पास ये सिंगल इमेज है बराबर, तो उसके ऊपर मैं एक इफेक्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ जो है मेरा मोशन टाइल इफेक्ट। तो यहाँ पे मोशन टाइल क्या करेगा भाई, हमारे लिए मल्टीपल कहते हैं ना रेप्लिका क्रिएट करेगा इसी इमेज की। तो अगर इस इमेज को अभी मैं खाली स्केल डाउन कर दूं तो आपको यहाँ पे देखो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे मोशन टाइल इफेक्ट के अंदर जो आपको आउटपुट विड्थ और आउटपुट हाइट मिल रहा है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ाओगे तो देखो कुछ ऐसा आपके पास जनरेट होता है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो देखो कुछ ऐसा जनरेट मेरे पास होते हुए आता है। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मिरर एजेस, आप इसको ऑन कर दो तो वो क्या करेगा, मिरर एजेस जनरेट कर देगा। अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ रखो, ये आपके ऊपर है आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बस यहाँ पे आप साइज कितना कम ज्यादा रखना चाहते हो वो भी आपके ऊपर है, जितना आप रखना चाहो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, वो साइज आप अपनी ट्रांजिशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है ना, तो सेम चीज मुझे क्या करना है, मेरे इस वाले वीडियो के ऊपर भी वही चीज डालनी है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ अभी इसको, और मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर भी मैं सेम वाला, कोई मुझे चेंजेस नहीं करने क्योंकि रिजोल्यूशन दोनों का सेम है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर मैंने ये डाल दिया है। अब मेन काम क्या करना है, इस वीडियो के ऊपर सबसे पहले काम शुरू करते, तो मुझे पहला काम तो इस ट्रांजिशन के लिए ये करना है, मुझे एक सिंपल सा बट अट्रैक्टिव जूम इन जूम आउट इफेक्ट जनरेट करना है। ठीक है ना, जूम इन इफेक्ट जनरेट करना है दोनों वीडियो के लिए। तो अभी के लिए मुझे क्या करना है भाई, इसको मैंने स्केल डाउन किया था तो पहले तो ओपन करता हूँ इसका स्केल, अभी के लिए मैं स्टार्टिंग में 100 कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्केल के ऊपर की दे देते हैं और लास्ट फ्रेम पे चले जाते हैं इस वीडियो की, जो लास्ट फ्रेम है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लास्ट फ्रेम पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वापस स्केल का की दे देता हूँ। फर्स्ट फ्रेम पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका स्केल थोड़ा बढ़ा देता हूँ कुछ हिसाब से, मुझे इसका टर्न फोकस में रखना है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ लाइक एक अच्छा खासा एक्सप्रेशन है जो व्यूअर को आई कैच करने के लिए हेल्प करता है बराबर। अब लास्ट फ्रेम पे चल के इसका साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक ओके, ये स्केल ओके ये दिख नहीं रहा, एक फ्रेम आगे आके देख लो यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा, तो देखो ये यहाँ पे इतना मेरे को ज्यादा नहीं बट यहाँ तक ठीक है, ये छोटा कर देता हूँ और इस वाले की को डिलीट कर देता हूँ, ये सही है बराबर। तो ये मेरा एक हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जो स्केल्स है इसको F9 में कन्वर्ट करता हूँ लीनियर की, इसको ग्राफ एडिट में चलता हूँ और यहाँ पे मैं जो ग्राफ एडिट करूंगा, मैं एडिट वैल्यू वाला ग्राफ एडिट कर रहा हूँ। अब क्या करूंगी, इस ग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और कुछ मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, थोड़ा इसको अप लेता हूं और इसको भी थोड़ा क्या करूंगा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, मतलब ये पॉपअप जैसा होगा एक सीन मेरा कि इमेज एकदम से बाहर की तरफ आएगी, जूम इन होगी और फिर एकदम से जूम आउट हो जाएगी, ऐसा इफेक्ट जनरेट करेगा ये वाला ग्राफ मेरे लिए। ठीक है, तो ये हो चुका है, वापस ग्राफ एडिट से बाहर चलते हैं और हमारी ये वाली फुटेज के ऊपर चलते हैं अभी। अब यहाँ पे मैं बहुत मतलब एक स्पेसिफिक आपका रेंज जो आपको रखना है उस हिसाब से, तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक कितना फ्रेम है, 30 फ्रेम तक जाऊंगा, 10, 20 एंड 30, तो 30 फ्रेम तक मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ पे उसका स्केल ओपन करते हैं, यहाँ पे स्केल का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, चला आता हूँ फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, स्केल का प्रॉपर्टी दे दिया है। अब मैं इसका स्केल थोड़ा जरूरत से ज्यादा बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे बराबर, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक कुछ इतना बड़ा। ठीक है ना, ये ठीक है, और लास्ट में जाते हुए इसका 100 मतलब जो उसका एक्चुअल साइज है उस पे मेरे को सेटल चाहिए। तो ये हो गया, अब इन दोनों कीज को सिलेक्ट कर लेते हैं, F9 प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा ग्राफ देना है मेरे को, मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्लोली इन आना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा कुछ इस हिसाब से ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे की तरफ और इसको थोड़ा आगे की तरफ यहाँ पे सेट कर लेता हूँ कुछ ऑलमोस्ट लाइक दिस। अभी अगर आप देखोगे, मैं अगर यहाँ पे एंड प्रेस कर दूं तो एक अच्छा खासा क्या हो जाएगा भाई, हमारा जूम इन जूम आउट इफेक्ट जनरेट होते हुए आपको दिखेगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल वे से काम करेगा आपके लिए, मतलब ऑलमोस्ट देखो ये आपके लिए दूसरा ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, पहला हमने किया था नॉर्मल, अब एक जूम इन जूम आउट वाला ट्रांजिशन हो गया, तो एक ही चीज के अंदर आपको मल्टीपल चीजें मिलने वाली है, फायदा है भाई आप लोगों का। ठीक है, मैं भी इसको वैरायटी पे यूज करता हूँ एज पर द क्लाइंट नीड और रिक्वायरमेंट और फुटेज की नीड के हिसाब से हम लोग चेंजेस करते रहते हैं, बट एक ही चीज के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है भाई, इतना तो मुझे सिंप्लिसिटी के साथ नहीं रखना है, अब मुझे इसके ऊपर कुछ और चीजें ऐड करनी है, जैसे इसकी पोजिशन के साथ अभी मुझे प्ले करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा मुझे थोड़ा जंपीनेस भी क्रिएट करना है, खाली जूम इन जूम आउट नहीं, जैसे एक जंप रहता है
वीगल कहते हैं हम जिस लैंग्वेज में, वो जंपिंग भी मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। तो स्टार्टिंग में मैं पोजीशन कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ चार फ्रेम आगे चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो 960 है तो मैं हल्का सा थोड़ा क्या जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, बहुत ज्यादा भी नीचे नहीं जाना है मुझे, कुछ इतना नीचे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ भाई मैंने इतना नीचे आया हूँ, अब मैं कुछ 10 फ्रेम जंप करता हूँ, फिर 3 फ्रेम मतलब ऑलमोस्ट 7 फ्रेम पे हम लोग क्या करेंगे, वापस इसको थोड़ा ऊपर लेंगे, मतलब 960 से हल्का ऊपर, 960 मेरा सेंटर है, तो मैं 960 से थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा सेंटर पॉइंट ऑलरेडी है यहाँ पे डिफाइंड, बराबर है। तो थोड़ा मैं इसको यहाँ पे ऊपर लेके चलता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक दिस। अब क्या करेंगे, वापस मैं 10 फ्रेम चलता हूँ, और अभी मैं 8 फ्रेम रखूंगा, और इस बार क्या कर रहा हूँ, हल्का सा नीचे, ज्यादा नहीं, बट जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है 960 का यहाँ पे ये वाला, उससे थोड़ा सा नीचे भाई यहाँ पे आ रहा हूँ, हल्का सा नीचे। तो भाई इतना आ गए हैं, अब ऑलमोस्ट आपको फुटेज का जो एंड है, तो मतलब मैं यहाँ पे 30 सेकंड पे सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं एक्चुअल उसका जो पोजीशन रहेगा एंकर पॉइंट 960, मतलब सेंटर है वर्टिकली, तो भाई ये वर्टिकली सेंटर में आ चुका है, बराबर। अब इसको भी क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे और F9 प्रेस कर देंगे, बराबर। अब अगर इसको प्ले करेंगे तो देखो गाइस, आपको सेकंड अब एक दूसरा ट्रांजिशन मिल गया कि जो जूम इन जूम आउट के साथ एक जंपीनेस के साथ वो रिवील होगा, ठीक है। जूम इन तो हो ही रहा है स्क्रीन के अंदर, पर साथ में एक अच्छा खासा जंप मिल रहा है आपको फुटेज के अंदर, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रांजिशन, मतलब ये आपके पास तीसरा हुआ ट्रांजिशन, बराबर। सी पहला नॉर्मल था जिसमें कोई इफेक्ट नहीं था, जस्ट एक कट था, दूसरे के अंदर हमने जूम इन किया, तीसरे के अंदर जूम इन के बाद हमने एक अच्छा खासा फुटेज को जंप दे दिया, लुकिंग अमेजिंग, बहुत ही लड़की तो सुंदर है ही है, बट साथ में ट्रांजिशन इस वीडियो को और भी बेटर बना रहा है, तो आपके क्लाइंट के लिए व्यूअर के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा। पर इतना हो गया, बट अब मुझे थोड़ा और चाहिए, तो मैं क्या चाहता हूँ, एक हल्का सा रोटेशन भी ऐड करते हैं, जब ये अंदर आता है बराबर जंप के साथ साथ एक हल्का सा रोटेशन भी हमें ऐड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 नंबर के फ्रेम पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे रोटेशन भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे की दे देते हैं, और ना यू प्रेस कर देंगे तो भाई सब कुछ अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कुछ ऑलमोस्ट लाइक रोटेशन, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 6 का रोटेशन देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट इन बिटवीन इस फ्रेम के आसपास आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ -5 का रोटेशन दे देता हूँ, फिर मैं कुछ यहाँ पे आता हूँ नॉट एग्जैक्ट ऑन दिस फ्रेम, थोड़ा आगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुछ ऑलमोस्ट लाइक 3 का रोटेशन देता हूँ, और यहाँ पे लाते हुए मैं इसको वापस क्या कर दूंगा, 0 कर देता हूँ रोटेशन को इसको, ठीक है। तो इनको भी सिलेक्ट करके क्या कर देंगे हम, F9 अप्लाई कर देते हैं। आप चाहो तो मल्टीपल कीज दे सकते हो, जितना रोटेशन चाहो, मेरे लिए इनफ है ये। तो अब अगर आप प्ले करते हो तो भाई आपके लिए चौथा ट्रांजिशन बन गया ये, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखो कि एक ही ट्रांजिशन जो हम बना रहे हैं वीडियो के अंदर, उसके अंदर आपको मल्टीपल ट्रांजिशंस मिल रहे हैं गाइस, बराबर। बहुत सिंपल तरीके से चीज, आप देखो रोटेशन भी साथ में हो रहा है ब्यूटीफुल तरीके से, और जंप भी हो रहा है, प्लस जूम इन भी हो रहा है। तो हर एक को आप स्टेप बाय स्टेप अपने अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से बेटर तरीके से यूज कर सकते हो, एंड यू विल एंजॉय इट रियली नाइसली। तो यहां तक हो गया भाई हमारा मेन इफेक्ट जनरेट। अब जो मुझे मेन चीज चाहिए, एक ब्लॉबीनेस जनरेट करना है, कि जैसे कहते हैं ना एक जपाक करके कोई ऐसी चीज जनरेट करनी है जिसको ये जूम हो, जैसे कोई स्ट्रेचिंग इज जनरेट करनी है, कि स्ट्रेच किया और स्ट्रेचिंग हुआ, और फिर उसके बाद वो दूसरे वीडियो को भी खींच के लेके आ रहा है, नॉट ओनली वी जूम इन बट एक स्ट्रेचिनेस जनरेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ एक एक करके, और यहाँ पे पहले मैं इसको प्रीकॉम्प करता हूँ, और यहाँ पे कर देंगे मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। सेम चीज अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं इसको भी क्या कर दूंगा, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है ना। बट अब अगर आप स्टार्टिंग पे जाओगे यहाँ पे, तो देखो भाई क्या सीन, और प्रॉपर जा रहा है नहीं जा रहा है आपको एक बार देख लेना है, यहाँ पे कहीं कुछ कटवट नहीं रहा है ना। हाँ तो भाई ये अभी तक सब कुछ सही प्रॉपर तरीके से जा रहा है। अब वो जो ब्लॉबीनेस मुझे क्रिएट करना है, उसके लिए जो इफेक्ट हम यूज करने वाले हैं वो है मेरा वाइप इफेक्ट। तो मैं दो इफेक्ट यूज करता हूँ नॉर्मली, एक ऑप्टिक्स लेंस या ऐसा कुछ करके है, तो आप उसको यूज कर सकते हो, और दूसरा हमारा वायर WARP वाइप इफेक्ट है, वो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो ऑप्टिमाइज या कुछ ऐसा करके इफेक्ट है, आप ऑप्टिक्स करके टाइप करना, देखो देख लेते क्या था ऑप्टिक्स, यस ऑप्टिक्स कंपोजिशन आप यूज कर सकते हो, जो हम नॉर्मली लेंस डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए यूज करते हैं, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं वेरियस ऑफ द फुटेज, अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल फुटेज होता है तो मैं यूज करता हूँ ऑप्टिक्स, जो अभी मैंने दिखाया क्या था,
मैं नाम भूल जाता हूँ भाई, थोड़ा ऑप्टिक्स कंपोजिशन हम लोग यूज कर लेते हैं, ऑप्टिक्स याद रहता, पीछे का कंपोजिशन भूल जाता हूँ, और ये वाला जो है वेब वो मैं वर्टिकल फुटेज के लिए ज्यादातर यूज करता हूँ। यहाँ पे वेब है, उसको सबसे पहले मैं डालूंगा मेरी इमेज वाली कंपोजिशन के ऊपर। तो जैसे ही मैंने डाला, देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, अजीब सा चीज हो रहा है, तो उसके लिए अभी हम क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट करते, जो वेब स्टाइल है ना उसको हम कन्वर्ट कर देंगे फिशाई के अंदर। बराबर, यहाँ पे आपके पास फिशाई का ऑप्शन रहता है। फिशाई सबने सुना होगा कैमरा वगैरह के अंदर, या बहुत सारे अपने स्लाइड शो वगैरह भी क्रिएट हो गया है, वहां पे भी ऑप्शन मिल जाते हैं फिशाई के आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फिशाई जनरेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम उसको कर देंगे जीरो, और मैं यहाँ पे इसको की दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आगे जाते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस कर रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऑलमोस्ट -70 का कुछ इफेक्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो हमने स्केल का इफेक्ट दिया ना, उसके कारण पहले क्या लगेगा, ये आते हुए फिर जाते हुए दिखेगा। तो अगर इसको अप्लाई करते हो तो देखो कैसे जुप करके जाते हुए दिख रहा है। तो ये एक आपके लिए अच्छा सा इफेक्ट क्या करता है, वो जनरेट करते हुए दिखेगा आपको। आपको चाहिए प्लस में तो आप प्लस भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे यू का स्केल प्लेस कर दो। यहाँ पे अगर आपको प्लस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, प्लस का तो अगर मैं यहाँ पे 70 अप्लाई कर देता हूँ सपोज, तो देखो अभी क्या इफेक्ट होगा। तो भाई ये ऐसा होगा कि बाहर आके फिर अंदर की तरह सपाक करके जाते हुए दिखेगा आपको, तो दैट इज ऑल्सो बेटर। तो अपन प्लस रखते हैं यहाँ पे, ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी ट्रांजिशन में किस हिसाब से जाना है। तो भाई यहाँ पे हो गया, अब मैं क्या करूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और F9 प्रेस करता हूँ। बराबर, यहाँ पे F9 प्रेस करने के बाद चलते हैं वापस ग्राफ एडिट के अंदर, और इसके बाद मैं अभी चूज कर रहा हूँ एडिट स्पीड ग्राफ मेरा। अब यहाँ पे देखो मेरे को ये वाला नहीं चाहिए एक्चुअली, जूम थोड़ा मेरे को अजीब लग रहा है, ये मेरा काम नहीं करेगा जैसा मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले तो बाहर आ जाते हैं यहाँ पे, और जो मैंने यहाँ पे प्लस का दिया है ना उसकी जगह पे मैं माइनस कर देता हूँ वापस, क्योंकि मुझे बेटर लग रहा है कि मेरा माइनस वाला काम करेगा। क्योंकि हमने जो ग्राफ दिया था हमारे स्केल वाले ट्रांजिशन को, वो थोड़ा पॉप होके अंदर जा रहा था, तो ये ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट जनरेट कर देगा। अगर प्लस रखूंगा तो ये ओवर स्ट्रेची कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे चलते हैं वापस ग्राफ एडिट के अंदर। और अब यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, मैं इसको थोड़ा पीछे की तरफ लेके चलेंगे, 100% टच नहीं कर रहा हूँ, एक थोड़ा स्मूथीनेस यहाँ पे रख रहा हूँ, और थोड़ा फिर यहाँ से लेके जाऊंगा, यहाँ पे भी पूरा का पूरा स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को थोड़ा ऊपर कर देंगे, ताकि हल्के से स्टार्ट हो, एकदम झटके से स्टार्ट ना हो, थोड़ा हल्के से स्टार्ट हो, और फिर यहाँ पे पकड़े और फिर आगे बढ़े, थोड़ा और खींच लेते हैं यहाँ पे, तो एक स्मूथ वाला कव यहाँ पे बन जाएगा। तो अब अगर हम प्ले करते हैं मस्त वाला यहाँ पे, तो आप देखोगे झपाक करके ही जाते हुए दिखेगा। अब सेम चीज मुझे क्या करनी, इस वाले कंपोजिशन पे भी मुझे क्रिएट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, वही सेम वाला इफेक्ट मुझे वाप वाला यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। बराबर है, यहाँ पे मैं वैल्यू क्या कर दूंगा, वापस हमें कर देना है फिशाई यहाँ पे। अब स्टार्टिंग में इसका जो वैल्यू है, बराबर है, इसको मैं रखूंगा जीरो ही रख रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में, और यहाँ पे इफेक्ट दे देता हूँ। और चलते हैं कुछ जैसा हमने स्केल वाले में किया था ना, वैसे कुछ 4 फ्रेम आगे चलता हूँ मैं यहाँ पे, और इसका वैल्यू मैं कुछ प्लस में दे देता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 50, और थोड़ा बढ़ा देता हूँ शायद से 60 इज गुड वन। हाँ, ये 60 मेरे लिए सही रहे, बेटर 70 रहेगा जैसे वहां पे मैंने दिया, तो ये 70 मेरे लिए सही रहेगा। फिर चलते हैं हम वापस, 8 फ्रेम आ गए तो मैं वापस, सॉरी हाँ, और 1 फ्रेम पीछे चलता हूँ मैं, तो 1 फ्रेम पीछे आ गए, हमने 7 फ्रेम किए थे, सेम 7 फ्रेम। तो यहाँ पे अभी मैं वैल्यू देता हूँ -50, तो ये मैंने -50 कर दिया है। फिर वापस क्या करते हैं, 8 फ्रेम जाएंगे, तो 1 2 ओके, 2 फ्रेम आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ 10 वाला वैल्यू, ओके। तो इसको ओपन कर लेते एक बार की, तो हाँ भाई देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और लास्ट में जो वैल्यू आपको देना है, तो आप जो भी देना चाहते हो, यहाँ पे मैं सीधा क्या कर देता हूँ, इसका वैल्यू 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से आपको कैसे जाना है, वो आप अपने हिसाब से, एक की आपको ज्यादा लगाना है तो आप लगा दो। तो सपोज मैं यहाँ पे क्या करता, एक ये नजदीक कर देता हूँ, और इस वाले पे क्या कर देते हैं हम लोग, कर देते हैं अप्लाई कुछ लाइक -10, हल्का सा मैंने ये कर दिया यहाँ पे। और नेक्स्ट वाले पे हम कर देंगे सपोज, यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ 0, ठीक है ना। तो ये मेरा 0 कुछ यहाँ पे हो गया। अब इसको भी सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, हम F9 प्लेस कर देते हैं। तो भाई देख लेते हैं कैसा बनाया है हमारा अब तक का आउटपुट, देख लेते हैं एक बार।
ओके, ये थोड़ा जंप ज्यादा दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इस वाले की को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और मैं क्या करूंगा इस वाले की को यहाँ पे स्ट्रेच करके रखता हूँ और वापस इसको एडजस्ट कर लेते हैं कुछ ये 4 फ्रेम के आसपास। इसको थोड़ा मैं नजदीक कर लेता हूँ और इसको थोड़ा दूर कर लेंगे, इसको थोड़ा पास कर लेते हैं, डिस्टेंस थोड़ा कम करते हैं यहाँ पे इसका, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस, इसको थोड़ा और कम कर लेता हूँ। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। सी, मुझे तो प्रॉपर तरीके से कुछ आउटपुट चाहिए, तो भाई हम तो प्ले करते हैं, ठीक है ना, ये आपके ऊपर है, आपको अपने इमेज। हाँ, अब ये मेरे को बेटर लग रहा है, ठीक है ना, एक सुपर सा इफेक्ट दे रहा है, एक बीच में अच्छा सा जर्क भी मुझे मिल रहा है, तो बहुत ही बेटर तरीके से क्या हो रहा है हमारा ये चीज जनरेट हो रहा है। अब इसके अंदर एक छोटा सा चीज और ऐड करते हैं, ठीक है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रांजिशन बनेगा अगर ऐड करना है तो देखो ये आपका चौथा या पांचवा ट्रांजिशन हो गया, एक एक चीज करके कितने ब्यूटीफुल सी चीजें ऐड हो रही है यहाँ पे। तो इंडिविजुअली आप इसको भी यूज कर सकते हो, खाली इमेज को रिवील करने के लिए, दूसरा कोई चीज यूज करना ना करना वो आपके ऊपर है। अब क्या करते हैं, एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करते हैं गाइस, बराबर, मैंने यहाँ पे और मैं उसके ऊपर अप्लाई करता हूँ मेरा लेंस फ्लेयर, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे लेंस फ्लेयर है, ठीक है, तो ये मेरा लेंस फ्लेयर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, तो देखो अच्छा खासा लेंस फ्लेयर यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है कि जब इन दोनों का ट्रांजिशन हो रहा है ना, उसी टाइम पे मुझे इसको रिवील करना है, बराबर, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो लेंस फ्लेयर का पोजिशन है ना, मैं कुछ इसको यहाँ पे या फिर आप छोड़ सकते हो कॉर्नर पे, तो सपोज मैं इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इस कॉर्नर पे छोड़ रहा हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, प्लस की दे देते हैं हम इसके सेंटर को और यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस वैल्यू को, तो यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ 0 ब्राइटनेस की, तो यहाँ पे ओपन कर लो तो आपको कीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब जहां दोनों का बिल्कुल सेंटर है, ठीक है, जहां दोनों फुटेज इंटरसेक्ट होने वाली है एक दूसरे के साथ, तो वहां पे मुझे ब्राइटनेस वैल्यू बढ़ानी है खाली मैं ऑलमोस्ट कुछ 150 के आसपास कर देता हूँ यहाँ पे, 160 के आसपास, और थोड़ा आगे चलेंगे ऑलमोस्ट यहां तक कुछ हम लोग, ठीक है, और मैं इसको चेंज कर देता हूँ पोजीशन वापस से, तो इसका पोजीशन हम उठाते हैं और मैं इसको यहाँ ऊपर की तरफ सेट कर देता हूँ ऑलमोस्ट ओवर हियर, यहाँ पे वापस इसकी वैल्यू जो है ब्राइटनेस की वो मैं कर दूंगा यहाँ पे 0, ठीक है, तो ये हो गया। और वापस इसको सिलेक्ट कर दो, सॉरी कंट्रोल जेड, सारी की इसको सिलेक्ट कर लो और F9 अप्लाई कर दो, बस ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, तो भाई यहाँ पे जो दोनों का मिड पॉइंट है ना यहाँ पे ऑलमोस्ट ओवर हियर, यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पीक मुझे वहां पे चाहिए, तो हम ग्राफ को उस हिसाब से एडिट करेंगे, तो जो बीच का पीक है ना वो यहाँ पे आना चाहिए, तो हाँ ये बेटर लग रहा है मुझे, तो ये क्लियर है। तो अब ये हमारा फाइनल आउटपुट है गाइस, एक बार प्ले करके देखते हैं। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, मेरा लेंस फ्लेयर भी पास हो रहा है, जूमिंग भी हो रहा है, ब्लॉबीनेस भी जनरेट हुआ है, प्लस रोटेशन भी है, जंपीनेस भी है, तो एक ही ट्रांजिशन के अंदर आप मल्टीपल 4 या 5 ट्रांजिशन मिले हैं आपको। आप लेंस फ्लेयर को भी अलग तरीके से यूज कर सकते हो, खाली लेंस फ्लेयर को एज फॉर द ट्रांजिशन रिवील, उसका ब्राइटनेस एकदम से बढ़ा दो तो दूसरे इमेज में वो जंप कर जाएगा, खाली कट के ऊपर उसको अप्लाई कर दो। सो वो मजा आया वो आप लोगों को गाइस, तो इतना है, आगे जाके इतने ही ब्यूटीफुल ट्रांजिशन और भी यूजफुल वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को क्लिक कर देना और लाइक बटन पे भी क्लिक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो और बाय गाइस।